Hi guys, welcome back to my channel. तो आज मैं एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो इस वीडियो में मैं अपने इन स्पेशल मार्कर से एक ड्राइंग बनाने वाली हूँ, एंड वो ड्राइंग मैंने पिंटरेस्ट पे ऑलरेडी देख के रखी है। तो अभी उसकी इमेज मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो मेरे को बनानी है ये ड्राइंग। यहाँ पे आपके पास इमेज आ चुकी होगी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये, चलो फिर आपको मटेरियल्स दिखा देते हैं। ओके, आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो सीधा स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैं हमेशा बहुत टाइम वेस्ट करती हूँ। एंड सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मटेरियल्स में यहाँ पे मेरे पास है पहले मार्कर्स, एंड मैंने ये अपने पेस्टल मार्कर्स भी ले लिए, पेस्टल ब्रश पेन, अगर इनकी ज़रूरत पड़ गई तो, ठीक है। एंड फिर उसके बाद इन दोनों को साइड में रखते हैं। फिर उसके बाद है मेरे पास ब्लैक पेन आउटलाइनिंग के लिए, और एक बेसिक सिक डॉम्स की लेड पेंसिल, और साथ में लेड, एक्स्ट्रा लेड्स अगर ख़त्म हो गई तो, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारा माई शीट्स। ओके, तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे ड्राइंग। एंड सो गाइस, ये सब निकल चुका है। तो पहले मैं एक बार स्ट्रॉन्ग होती हूँ, एंड उसके बाद ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। सो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3 एंड 4। यार मेरे कैमरे का फोकस नहीं बन रहा, हो गया। And चलो ठीक है। 1, 2, 3 तो बन गई है हमारी ड्राइंग। तो लाइक ये जो मैंने स्पेसेस छोड़ी हैं, इनका मैं बाद में इरेज करूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारी वाइट स्पेसेस आएंगी, ठीक है। तो ये वाइट रहेगा हाईलाइटेड। एंड यहाँ पे नीचे किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन नीचे भी थोड़े से स्प्रिंकल्स है, तो मैंने वो भी बना दिए। सो फिर चलो अब इसकी आउटलाइन स्टार्ट करते हैं। सो 1, 2 एंड 3 तो ड्राइंग की आउटलाइन तो कंप्लीट हो चुकी है। एंड सो अब हम करेंगे ये सब कुछ इरेज, जो भी लाइक ये जो हमने चीज़ बनाई है, तो इन पे इरेज करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, एंड इसका ध्यान रखना, लाइक अगर आप इसको रिक्रिएट करोगे तो इसका ध्यान रखना कि ये जो हमने बनाया ना, ये वाइट वाइट स्पेसेस, तो आप इनको ना आउटलाइन करोगे ना इरेज करोगे, क्योंकि फिर हम इनको ड्राइंग कलरिंग के बाद इरेज करेंगे, फिर हमें पता चलता रहेगा। और फिर अगर हम आउटलाइन कर देंगे तब एकदम अलग सा हाईलाइट होगा, तो हमें इसको अलग से हाईलाइट नहीं करना, हमें इस पूरे ऑब्जेक्ट को इन्हीं एलिमेंट से हाईलाइट करना है। ओके, जल्दी से इरेज कर देते हैं। एंड इरेज हो चुका है, नाउ इट्स टाइम फॉर कलरिंग, माई फेवरेट पार्ट। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे क्रीम से। ओके, तो क्रीम के लिए वी आर गोइंग टू यूज एंड सो इन दोनों शेड में से हम कोई एक पर्पल चूज करने वाले हैं। तो पहले मैं इनको चला के देखूंगी। We are going to use this one.
तो ये शेड है 147 पेल लिलाक। यार मतलब प्रोनंसिएशन एंड इन शेड्स के नाम, 147 पेल लिलाक, यू कैन सी, हाँ ना यू कैन सी पेल लिलाक। इस नॉइस को इग्नोर करना, हमारे साइट में कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसी की नॉइज है। एंड सो चलो अब कलरिंग स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे वो हाइलाइटिंग्स है ना, उधर से आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से लेके जाना है। एंड अभी तक तो मेरे को ना कलरिंग करते करते बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है सच्ची में यार। हाँ कितना क्यूट है। तो अभी कलरिंग के बाद मिलता है आपसे। एंड सो अब हमने इसी पूरी क्रीम कलर कर लिया, यानी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है लुक, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। ओके तो अब हम इसके बेस पर आते हैं। एंड अब हम इसके बेस पे हमें दो कलर्स यूज करने हैं, ठीक है। एक तो लाइट ब्राउन एंड लाइक अ डार्क ब्राउन, से थोड़ा सा डार्क। अब हमें लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन ढूंढना पड़ेगा। तो हम एक शीट ले लेंगे। फर्स्ट मेरे को मिला है 140 लाइट ऑरेंज, ठीक है। तो हम इसको ट्राई करते हैं। दिस कैन वर्क इन अ डार्क ब्राउन। भाई लाइट ऑरेंज डार्क ब्राउन में आ रहा है। अब हमें मिला है 31 डार्क येलो। वन सेकेंड, नाउ यू कैन सी 31 डार्क येलो। और हम इसको क्या करेंगे, नो इट्स वेरी डार्क। आंसर मैंने ट्राई करा था 141 बटर कप येलो, ये भी हमारे लाइट ब्राउन में वर्क नहीं कर रहा। तो अब हम करते हैं यूज ट्राई 132 वाइट मिल्की वाइट। यस दिस कैन वर्क। थोड़े से और शीट्स ट्राई करते हैं, लाइक दो और शीट्स ट्राई करते हैं, नहीं तो हम इसे साइड में निकाल के रख देते हैं, ठीक है। व्हाट कैन वी यूज, वॉर्म ग्रे, WG2 वॉर्म ग्रे। सी ये तो ग्रे है, मतलब मेरे को लगा था कि वॉर्म ग्रे थोड़ा सा ब्राउन होगा, पूरा ग्रे। यस मेरे को मिला है, नहीं हम यूज़ कर चुके हैं। ओके मेरे को और कोई मिल नहीं रहा, बट मेरे को एक और मिला है 133 सॉफ्ट पीच। लेट्स ट्राई दिस। इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा डार्क एंड लाइट है। हाँ एक और मिला है 29 बेयरली बेज, 29 बेयरली बेज। अरे यार शिट, ये देखो सोचो तो ब्राउन निकले तो पूरा पर्पल टाइप से निकला। चलो फिर हमारे ये कलर सिलेक्ट हो चुके हैं। एनाइस 164 एनाइस, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। वैसे मेरे को नहीं लग रहा है कि येलो दिख रहा है, ग्रीन भाई साहब। टिप देखो और कलर देखो भाई, इसका कलर वैसे मैच कर रहा है। देखना टिप को येलो के रखा है, फिर गाइज मैं कलरिंग स्टार्ट करी थी, मैंने सोचा कि मैं चलो एक बार इन शेड्स के नाम लिख लेती हूँ। एंड मेरे को एक शेड मिला जिसका नाम है पथालो ब्लू। रुको अभी आपको जूम करके दिखाती हूँ, पथालो ब्लू। कैसे कैसे नाम रखते हैं यार लोग। चलो फिर भी हमें क्या, अब हम इसको रख के अपनी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अभी हमें इसमें ब्लेंडिंग की भी जरूरत है, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग जीरो कलरलेस ब्लेंडर। तो यह है जीरो कलरलेस ब्लेंडर, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने इसको एक बार ट्राई करा था, उससे पे वो वाइट हो गया था। मैं दोबारा ट्राई करके दिखाती हूँ, रुको। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं इसके साथ ये और कलर चला दूंगी, ठीक है। वैसे वैसे ही ब्लेंड हो चुका है, लेकिन फिर भी हम कलरलेस ब्लेंडर को ट्राई करेंगे। एंड इसके ऊपर हमें तीन बार ऐसे कलरलेस ब्लेंडर को ऐसे ऐसे और ऐसे करना है। भाई इसका कलर भी ब्लू है, लेकिन फिर भी हमें इसको तीन बार कर दिया है। तो अभी हम दो मिनट रुकेंगे, तब तक हम अपनी कलरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट कैन एनीबडी कैन टेल मी ये लाइट पर।
वैसे मिल्की वाइट है तो लाइट ब्राउन है। पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने लाइट ब्राउन मीन्स 132 मिल्की वाइट से। एंड सो चलो अब इसको कलर कर देते जल्दी से। सो गाइज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गई थी, स्टिक को कलर करना। तो स्टिक के लिए हमने दो शेड्स निकाले हैं, जी जी वन ग्रीन ग्रे एंड उसके आउट लाइक उसकी डिटेलिंग्स के लिए, स्टिक की डिटेलिंग्स के लिए हमने निकाला है बटरकप येलो 141। ओके तो पहले हम बेस में कलर करेंगे बटरकप येलो से, ठीक है। अगर आप अभी मेरी टेबल की हालत देखोगे तो आप डर जाओगे, तो बहुत ही गंदी टेबल हो रही है। गाइस लुक एट दिस। ओके सो मैंने स्टिक में भी एक छोटा सा वाइट पार्ट छोड़ दिया यहाँ पे। ओके अब हम इसके ऊपर डिटेलिंग्स कर देते हैं। बहुत ही हल्का हाथ चलाना है, मेरा हाथ लिटरली शेक कर रहा है इसको करते हुए। एंड सो अब हम एक बार इस पूरी के ऊपर इरेजर चला देंगे। कुछ भी पेंसिल की वगैरह आउटलाइनिंग्स वगैरह बची होंगी तो इरेजर छाए। सो अब आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। 1 2 गाइस मेरे को लाइक रियल लाइफ में देखने से इसकी क्रीम ज़्यादा अच्छी लग रही है बेस से, एंड फ़ोन में आई डोंट नो कैसा दिख रहा होगा आपको पता है तो कैमरे में आप बताना। लाइक हाँ बहुत क्यूट लग रहा है मेरे को तो, एंड बहुत प्यारा है। तो मैं इसको अपनी आर्ट टीचर को दिखाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि मैम कैसा है, तो पता नहीं देखते हैं मैम का रिएक्शन क्या होगा। तो फिर रुको, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइज। एंड आप मेरे को आइडिया बताना कि मैं इनसे नेक्स्ट क्या बनाऊँगी, तो मैंने प्रिंटरेस्ट से ढूंढ के निकाला है। बाय गाइज।